से मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ वीजे ब्लॉग्स के नाम से। मैं मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो इस चैनल पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस हिसाब से मेरी जर्नी रहेगी, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और मैं आपको मतलब इस चैनल पे एक एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि अगर कोई स्टूडेंट इसे देख रहा हो या कोई आने का प्लान कर रहा हो तो उसे ईजी पड़े। और इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे और लोग इंटरनेशनल एजुकेशन मास्टर्स करना, मतलब बाहर जाना लोग मानते हैं बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं ये सब। तो मैं अपना पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अगर आप वो वीडियोस भी चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने इंडिया में बैचलर्स करी थी 2020 में, उसके बाद 2 ईयर्स मैंने जॉब करा हुआ है, और उसके बाद मैं 2022 में फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया और मैं फरवरी 2023 इनटेक के लिए मास्टर्स इन कंप्यूटिंग एंड इनोवेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जा रहा हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जिस हिसाब से जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैंने कुछ अकोमोडेशन वगैरह ये सब भी मेरा कुछ फिक्स नहीं है, तो ये सब भी देखना है जाके। आपको हर अपडेट मिलेंगी चैनल पे, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अब जाने का समय आ गया है और ये रहे मेरे दोस्त इंडिया वाले, ठीक है। मैं मिलूंगा ऑस्ट्रेलिया में, देखते हैं इनमें से कौन जल्दी जल्दी आता है। मैं चाहता हूँ सारे आ जाओ भाई, मैं मिलूंगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तो खाना नहीं आएगा, नाव लेके आइयो, ठीक है। मिलू ना मिलू ये जरूर, सारी आवाज जाएगी। ये बिजनेसमैन आदमी बनिया पर है बनिया भाई, देखो ये तो कैमरे पर बोलना पड़ेगा। और ये टॉम लेथम अपना, ठीक है। और ये जितेश, जितेश भाई आ रहे हो ना भाई, राम राम, राम राम भाई। मैं आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, तो आईजीआई पे मैं T3 पे हूँ, गेट नंबर 5 पे। मेरा मतलब जे नंबर काउंटर अंदर जाके मेरी एयर एशिया की फ्लाइट है दिल्ली टू मलेशिया, मलेशिया में ले ओवर है, फिर आगे कुआलालंपुर से मेलबर्न। तो मैं आपको देखो एयरपोर्ट दिखाता हूँ, ये पूरा एयरपोर्ट है दिल्ली का, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, मतलब अभी तक मैंने जो देखा है। बाकी मेलबर्न का एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा, वो तो इससे भी अच्छा होगा आई थिंक। गाइज मैं आ गया हूँ और यहाँ पे T3 पे आने के बाद गेट नंबर 5 से मैंने एंट्री करी। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा क्या क्या प्रोसीजर हुआ, ठीक है। तो गेट नंबर 5 पे आया मैं, पूरी फैमिली आई हुई थी, मामा भी आए थे, मामी आई थी और घर वाले सभी आए हुए थे, और फिर दीदी भी आई हुई थी। तो उसके बाद सबसे मिला, मामा से मिल नहीं पाया, कहो मेरा बैड लक था जो भी था, बट मामी से मिल लिया। उसके बाद एंट्री करने के बाद अंदर आया, फिर मेरा सबसे पहले मुझे बोर्डिंग पास मिला, वहाँ पे मेरा लगेज उन्होंने वेट करा कि मतलब कितना वेट है,
तो मेरा 30+7 kg था, तो 30 था तो मेरा अराउंड 30.4 के करीब था, तो 400 ग्राम उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और 7 में भी 7 point something था, 7 kg 100 ग्राम के अराउंड, तो उन्होंने 100 ग्राम अलाउ कर दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बोर्डिंग पास लिया दिया उन्होंने मेरे को, और मेरी दिल्ली टू कुआलालंपुर है और कुआलालंपुर से मेलबर्न है, मतलब कुआलालंपुर में ले ओवर है, तो मेरे को बैगेज ट्रांसफ़र अपने आप ही होगा, मुझे कुछ नहीं करना, सीधा मेरे को मेलबर्न में बैगेज मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दोनों दे दिए, दिल्ली टू कुआलालंपुर भी और कुआलालंपुर टू मेलबर्न भी। मेलबर्न से एडिलेड मेरी आगे फ्लाइट है, उसका बोर्डिंग पास वो दूसरी एयरलाइन है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, तो वो वहाँ मिलेगा, एयर एशिया की मेरी ये फ्लाइट है अभी जो है। तो फिर अब मैं उसके बाद में आया, फिर मैं आया के बाद मैं आया सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी पे उन्होंने वहाँ पे मेरा सारा सामान, मतलब सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी से पहले मैं आया इमिग्रेशन पे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वही पूछा आप कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, ये पूछा, और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा दिया, मतलब डिपार्टेड इंडिया लीव करने का, इमिग्रेशन पे स्टाम्प लगा दिया, इमिग्रेशन वालों ने पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा दिया। उसके बाद मैं आया सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी वालों ने मेरा सारा सामान, मतलब बेल्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ़ोन, ये सब रख लिए, और इन सबको इन्होंने आगे, मतलब कहा एक ट्रे में डाल दो और यही सब चेक करा, और मेरे मतलब मेरे को कहा कि आप अपना बैग भी डालो, सब डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा चेक किया प्रॉपर ढंग से, बोर्डिंग पास देखा और बोर्डिंग पास पे स्टाम्प लगा दिया, और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर मेरी गेट नंबर, मेरी एट बी से मेरी फ़्लाइट है, तो 8B पे मैं आ गया हूँ, मेरी फ़्लाइट है 11:30 की, और अभी हो रहे हैं आपके कितने हो रहे हैं, 8:30, तो अराउंड मैं 3 आवर्स पहले आ गया, अभी कोई नहीं आया, मेरे को लग रहा है मैं ही पहला बंदा हूँ जो फ़्लाइट में अपनी बैठने आया हूँ। ये देखिए गेट नंबर 8 का सब नंबर, ये गेट नंबर 8 के बाहर मैं बैठा हूँ, तो बस यही, अब इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़्लाइट के अंदर जाता हूँ और आगे का एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि अंदर आगे क्या होता है, क्योंकि अभी अंदर जाऊँगा फ़्लाइट में तो फिर सामान वगैरह, मतलब सामान वगैरह रख के कैसे, मतलब बैगेज वगैरह, कैबिन बैगेज किस हिसाब से रखना है, वो सब देख के फिर मैं आपको, द फ्लाइट चलेगी मैं उस टाइम में आपको कॉल करूँगा, और फिर मैं आपको कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे मिलता हूँ मलेशिया में, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे मतलब किस हिसाब से क्या है। ठीक है, ओके। हाँ गाइस, तो मैं बता रहा था आपको, तो हम दिल्ली से चले थे शाम को 11:30 पे, और मतलब फ़्लाइट लेट हो गई थी, 12:15 निकली थी दिल्ली से, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, तो फिर 12:15 निकली थी, और फिर हम यहाँ पे मलेशियन टाइम में करीब 8 बज रहे थे तब हम पहुँच गए थे मलेशिया कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में 2.5 घंटे पीछे कर लो अब इससे, ठीक है, 5:30 हो गए थे, फिर हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर मैं आया और फिर मैंने यहाँ पे अपनी अगली फ़्लाइट देखी जो मेलबर्न की है मेरी, वो है मेरी 2:15 PM मलेशिया के टाइम से, यानी कि इंडियन टाइम में ये मान लो 11:45 AM। तो अभी उसका वेट कर रहे हैं, ले ओवर पर बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो ये हमारा सामान, और यहाँ वेट कर रहे हैं, और भी भाई हैं हमारे साथ, वो भी उधर गए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं, अब अगली फ़्लाइट में बैठते हैं, मेलबर्न की जो फ़्लाइट है, फिर वहाँ से एडिलेड की फ़्लाइट है, तो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो हेलो गाइस, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका और बताता हूँ आगे क्या हुआ। फिर कुआलालंपुर से मेरी फ़्लाइट थी आपकी मेलबर्न की, तो फ़्लाइट वहाँ से भी 1/2 घंटे लेट चली थी, एयर एशिया की, पता नहीं एयर एशिया की हर फ़्लाइट ही लेट चलती है। फिर मेलबर्न पहुँचे, मेलबर्न भी पहुँचे हम 2 बजे, जो कि हमारा 1:15 AM टाइम था, 2 बजे मेलबर्न पहुँचे, और मेलबर्न आने के बाद फिर बहुत भूख लग रही थी, तो मैं मैकडी गया, वहाँ मैंने एक मतलब मील लिया, वो मेरे को $11.75 का पड़ा, थोड़ा एयरपोर्ट है तो यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली होती है चीज़ें। उसके बाद फिर मैं मेलबर्न से निकला हूँ, अब मेरी अगली फ़्लाइट है मेलबर्न से एडिलेड की, जो कि है आपकी 9:10 AM लोकल टाइम मेलबर्न के टाइम पे, 9:10 AM पे है, ठीक है, तो वो फ़्लाइट मेरी है। तो अभी तो 4:30 हो रहे हैं, मैं 5 घंटे ऐसे ही बैठूँगा, बाकी अभी देखता हूँ, अभी बंदे कुछ चेक इन कर भी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब मर्जी है, अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं चेक इन थोड़ी देर बाद ही करूँगा, तब तक इधर उधर घूमता हूँ, आपके लिए कुछ सीन वगैरह शूट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, और एडिलेड पहुँच के फिर मैं डिटेल आगे बताऊँगा कि क्या क्या हुआ। हाँ, और मेलबर्न पे ना इमिग्रेशन का भी हुआ, तो इमिग्रेशन का पूरा पंगा बताते हैं। इमिग्रेशन का क्या है कि हम मेलबर्न पे एग्जिट हुए, तो मेलबर्न पे कई सारी लाइनें हैं। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जिन कंट्री को, कुछ कंट्रीज को ई वीज़ा देता है, तो जैसे कि आपका यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूएसए हो गया, इनको ई वीज़ा मिलता है, अर्जेंटीना हो गया, और भी कई कंट्रीज थी, तो इन कंट्रीज़ को ई वीज़ा है, तो इनके जो भी पैसेंजर्स होंगे उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी, उनको सीधा जाना था, पासपोर्ट स्कैन करना था, उनकी फ़ोटो खींच रही थी और सीधा जाओ। बाकी इंडियंस, चाइनीज और एशियन कंट्रीज़ के जितने भी हैं, हमारा पासपोर्ट थोड़ा वीक है, तो हमको जाना था इमिग्रेशन से, तो हम इमिग्रेशन पे गया मैं, तो इमिग्रेशन पे एक लेडी बैठी थी, तो उसने मेरे से सबसे पहले कहा कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और बोर्डिंग पास, तो मैंने उसे पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाया, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आपका एडिलेड में यूनिवर्सिटी, तो फिर आप मेलबर्न से कब जाओगे फिर एडिलेड के लिए, तो मैंने उसे कहा कि मेरी कुछ मतलब आज ही फ्लाइट है सुबह के टाइम, अभी तो रात हो रही थी जब मैं लैंड हुआ था, तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा ओके थैंक यू, और फिर उसने कहा ठीक है जाओ। इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं पूछ रहे थे, कुछ बंदों से जो आपके मतलब TR पे थे, जिनकी मतलब स्पाउस वीज़ा के लिए, स्पाउस वीज़ा से आए थे, तो उनसे क्वेश्चन पूछे कि आपके पास जॉब है यहाँ जो आए हो ये वो, बाकी उन्हें भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी बोल दिया जॉब है, तो वो भी आ गए, तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, फ्लाइट में क्या होता है कि ना, फ्लाइट में जब आप रहोगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म मेरे पास तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे सबमिट कर दिया, मैं भूल गया फ़ोटो लेना। उसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ना अपनी हर चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव है, मतलब फ्लोरा फौना और अपने इन्वायरमेंट इनको लेके, उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास कुछ भी सीड्स, कोई सा मतलब फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, ड्रग्स, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। अगर मेडिसिन है तो, अगर थोड़े मोड़ी है तो कोई की ज़रूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, लेकिन अगर ज़्यादा है तो वहाँ डिक्लेयर कर दो और प्रिस्क्रिप्शन दिखा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब वो फॉर्म भरना होता है, और उस फॉर्म पे क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा, तो मैंने तो सीधा लिख दिया कि कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा ओके, तो फिर मैं आ गया, ठीक है। तो वो फॉर्म ज़रा आप लोग ध्यान से भरना। हाँ तो गाइस, तो यही था मेरा मतलब यहाँ पे, अभी मैं आया हूँ, एडिलेड पहुँच गया हूँ, तो यहीं तक था इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट करें और लाइक करें और पूरा प्यार दें, तो आपको अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी देखने को। तो अभी मैं आपको अगली वीडियो कुछ ही टाइम में आएगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस, बाय बाय।